90 के बाद हमने ये पहली बार यहाँ पर महायज्ञ किया है। ये इस संदर्भ में कहें कि आज माता ब्रह्मजी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल हवन करते थे, लेकिन हालात नागुजर थे तो हम ये हवन नहीं कर सके। तो आज 40 साल के बाद हमने पहली बार माता के जन्मदिन पर यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया। यह बहुत अच्छा मौका देखने का, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे देखने का, बहुत अच्छी खुश हुआ दिल। यहाँ पर क्या कहेंगे इसके हवाले से? इसके बारे में यही कहूँगा कि मैं भाव विभोर हो गया जब यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे पास आ गए। कल दिन अगर आप यहाँ होते, पूरा गांव यहाँ आया था, तो जो आत्मीयता थी हमारी, जो हमारे रिलेशन थे, ऐसा लगा कि जैसे माइग्रेशन हुई नहीं है। तो इनका जो यहाँ पर सहयोग मिला, हमने अपने मकान रखे, उन्हें यहाँ पर जो टेंट वो फ्री एकोमोडेशन उन्हें अवेलेबल की, क्योंकि हमारे पास तो मकान है नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए सब कुछ जो व्यवस्था करनी वो कर दी। हम उनके लिए उनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज है कि नचम आश पगज पगा शोली दुनिया उड़ पेट अगर रात लज तो क्या हो पगा कारवा न गुलजार छावन तिमे गुलजार आसान अस तवन मे बी कि ये मा गए टर्निंग पॉइंट कि अस हेको वापस। देखिए ये खुशी का मुकाम है। आज जो पंडित बरादरी हमसे दूर हो गई थी, जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में रह रहे हैं, इस वक्त कोई जम्मू में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई बंगलोर में रह रहा है, इस वक्त ये फिर आगे हमारे आबाई जो उनका आबाई वतन है, आबाई गांव है, यहाँ फिर ये आगे हवन करने के लिए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इस वक्त हर घर में अगर आप जाओगे, हर घर में खुशी होगी, हर घर में इस वक्त सही महीनों में कहता हूँ, मैं हकीकत कहता हूँ, हर घर में इस वक्त ईद होगी। कल से पिछले 3 दिनों से ये यहाँ आए हुए हैं, हर घर जो भी घरों में इस वक्त रह रहे हैं, काम को नहीं जाते बल्कि यहाँ आते हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए। आज कितने साल के बाद ये जो हवन हुआ इसके हवाले से मुझे, ये लगभग 40-50 साल के बाद यह हवन हुआ। इसके बगैर भी यहाँ फंक्शनें हो रही थी पहले भी, 90 से पहले यहाँ हर कोई ना कोई हैरत पर फंक्शन होती थी। कोई भी उनका बड़ा दिन होता उस पर फंक्शन यहाँ हुआ करती थी। मुसलमान कम्युनिटी और पंडित कम्युनिटी इकट्ठे यहाँ होते थे। मैं बचपन के तौर पर भी यहाँ बहुत बार आया हूँ यहाँ देखने के लिए, यहाँ उनके जो फंक्शन है उनमें शामिल होने के लिए। और आज जो ये फंक्शन हो रही है 30-35 साल के, जब से 90 के बाद पहली बार यहाँ आ रहे हैं, जो हम यहाँ जो पंडित कम्युनिटी है जो यहाँ रह रही थी, आज पहली बार यहाँ आ गए। आज वो फिर दिन देखने को मिल रहा है, आज वो फिर वो दिन देखने को मिल रहा है जो 90 से पहले वो दिन थे, जब हैरत हुआ करती तो हम उनके घरों में मुबारकबादी के लिए जाते थे, और जब ईद होती थी हमारे घरों में ईद मुबारक के लिए आते थे। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब ये ब्रहरी मौज जिस मंदिर पर हम इस वक्त खड़े हैं, मैं अल्लाह से भी ये दुआ करता हूँ, और शायद वो वक्त अब आने वाला है कि हम फिर पंडित हमारे ईद के मौके पर हमारे घरों में होंगे, और हैरत के मौके पर हम मुस्लिम कम्युनिटी उनके घरों में होंगे, मुबारक के लिए जाएंगे। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं, मैं ये इस वक्त भी कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, ये एक सियासी लीडर के हिस्से से मैं नहीं कहता हूँ, मैं हर एक सियासी पार्टी से, जो भी सियासी पार्टी यहाँ है, मैं उनसे इस्तदा करता हूँ, खुदा रा एक ये ह्यूमनिटेरियन मसला है, उसको जमा खर्चा सिर्फ जबानी जमा खर्च के तौर पर, एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि दिल से कोशिश कीजिए, एक ऐसा माहौल तैयार करें ताकि जो भी पंडित बरादरी हमारी यहाँ से हमसे जुदा हो गई है 90 में, उसको ये खुद ब खुद यहाँ आ जाए, खुद ब खुद यहाँ तशरीफ लाए, खुद तैयार हो जाएगी यहाँ आने के लिए, उनको ऐसा माहौल देने की यहाँ कोशिश करें। और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं जो यहाँ काम कर रही है, जो मस्जिदों में तकरीर करते हैं, वाज़ तबलीग करते हैं, जो मौली हजरात हमारे, उनसे भी मेरी गुजारिश है
कि वो भी एक ऐसा माहौल यहाँ तैयार करे कि पंडित को हमें ये नहीं कहना पड़े कि आप आइए कश्मीर में रहिए, बल्कि खुद ब खुद पंडित तैयार हो जाए यहाँ आने के लिए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए। एक बहुत बड़ा इस वक्त, चूंकि इस वक्त ये एक इमोशनल मौका भी है जो पंडित बरादरी हमारे मुरन में आई है, करीबन करीबन 60-80 घर यहाँ रहती थी, इस वक्त अगर आप देखेंगे वो एरिया वो उजड़ गया है, 2-3 घर अभी भी यहाँ रह रहे हैं। और जो भी हमने यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुख्य जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ रहती है, जो हमें जो इस वक्त पढ़े लिखे यहाँ ज़्यादातर लोग हैं वो इसी कम्युनिटी की वजह से है, उन्होंने ही पढ़ाया है यहाँ। प्राणनाथ जी मेरे साथ है, उसने मुझे पढ़ाया है, इसने मुझे ये जो ट्यूशन दिया भी और पढ़ाया भी, ये भी टीचर थे प्रोफेशन से, इसलिए इस वक्त इमोशनल मौका भी है। और इन सब खुदा से यही दुआ है कि ये पंडित बरादरी फिर यहाँ आए, हम मिलजुल कर रहे हैं। इन्होंने हमको कल इनविटेशन दी थी तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर हम बहुत प्रसन्न हुए कि आज 40 साल के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना हुई, यज्ञ हुआ और दूर दूर से लोग यहाँ पर पधारे, उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया और दुआ की माँ से कि यहाँ पर जो 90 के बाद जो माहौल थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था फिर से वही शांति आ जाए, भाईचारा आ जाए जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता था। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर यहाँ बहुत हिंदू मुस्लिम सिख देखने को मिल रहे हैं आपके पूजा में, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? मैं यहाँ पर आकर इतना प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर जितना भी अरेंजमेंट, जैसे ये शामियाना लगा है, सुनने में आया है कि यहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं उन्होंने ये लगाया है, उन्होंने इनको कहा कि ये हमारी तरफ से है, और यहाँ के लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं इन्होंने इनको हर एक चीज़ में भरपूर सहयोग दिया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कश्मीर में जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के हैं, सब मिलजुल कर, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम सब मिलजुल कर उस त्यौहार को मनाएं।